It was nice meeting you, Rangit. Thank you very much for what you did, and I hope to see you in India next time. Okay. मैं टू-व्हीलर टैक्सी से बस स्टॉप पे जा रहा हूँ। तो पहला झलक ये पटाया का, मेरे पीछे और मेरे आगे। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और चलने के बाद कुछ इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ मैं, गूगल मैप का यूज़ करके। कम्प्लीटली टूरिस्ट स्पॉट ही है ये, और उसी हिसाब से इसको डेवलप भी किया गया है। गाइज, अब जहाँ मैं रुकने वाला हूँ उसका व्यू आपको दिखाता हूँ। ज़रा पीछे देखो, तो आज का मेरा स्टे होने वाला है यहाँ पर। और जिसकी ये प्रॉपर्टी है उन्होंने बताया था कि यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त दिखता है, जो उनको बहुत बहुत थैंक यू, जेसन को। और यूएस से वो बिलोंग करते हैं और उनके कारण मैं यहाँ पर रुक पा रहा हूँ। हालांकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी बुक करना होगा तो मैं लिंक, एज मैंने पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और एक इमेज में भी शेयर कर दूँगा। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट करके यहाँ पर रूम ले सकते हो। और पीछे देखो ज़रा, जैसा हम बता रहे थे कि ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में से एक है पटाया में रुकने के लिए, और उनके कारण मुझे रुकने का मौका मिलेगा। डोर पे तो मैं आ गया। रूम नंबर है मेरा 154। कौन से साइड होगा मुझे देखना है। 154 और ये 49 इस साइड तो नहीं है, चलो दूसरी तरफ है। ऊपर तो मैं आ गया, लेकिन रूम नंबर खोजना पड़ेगा मुझे। शायद 154 है रूम। 154 दिस साइड, 176 इस साइड भी नहीं होगा। लेट्स गो अदर वे। गाइज, मैं रूम में एंटर कर चुका हूँ, रूम नंबर 154। और क्या रूम है, ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया देख कर ही। ज़रा देखो रूम चारों तरफ, और जो चीज़ मैं बाहर से दिखाऊंगा वो देख के तो आप बोलोगे क्या किस्मत है। ये है पूरा रूम का व्यू, और इस तरफ है सोफ़ा, ऑब्वियसली देख ही रहे हैं आप लोग। इस तरफ बेड की कुशनिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। देन वी हैव टीवी दिस साइड, फैन की भी एडिशनल व्यवस्था है, एसी तो है ही ऊपर में। और लेट्स गो टू बाथरूम। रूम का स्पेस भी काफ़ी है, सी दिस, पानी भी है, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मेरे को मिल गई। देन वी हैव स्मॉल किचन और लाइट। अच्छा देखिए, थाईलैंड में ऊपर की तरफ ऑन होता है, नीचे की तरफ ऑफ होता है। तो ये सारे बटन अगर ऑन करने हो तो ऊपर, ऑफ करना हो तो नीचे। देन वी हैव बाथरूम, लवली पीस ऑफ बाथरूम यार। शैम्पू वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, एवरीथिंग डन। वाओ, लुक एट दैट, अमेजिंग। वॉशिंग मशीन भी है, देखो ज़रा, वो भी ऑटोमेटिक। अब इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। थैंक्स टू जेसन, मुझे इसके लिए ₹1 नहीं पे करना पड़ा। हो सकता है जो आए कभी रेंट पे से लेने के लिए तो काफ़ी पैसा पे करना पड़ सकता है। सो अब मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट ठीक है। ओ माई गॉड, ज़रा बाहर का नज़ारा तो देखो, वाओ। इस तरफ पूल है छोटा सा, उसके आगे बीच है पूरा, उस तरफ बीच है, इधर स्विमिंग पूल है, और इस तरफ होटल, जो भी प्रॉपर्टी है ये मुझे नहीं पता क्या है, बट दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बैठ के चाय वाय पीने के लिए भी स्पेस है, कुर्सी वगैरह सब लगा है। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, रिफ़्रेश होऊंगा और फिर देखता हूँ पटाया घूमने के लिए कैसा है। गाइज़, ज़रा लोकेशन देखो, मैं नहा हुआ के तैयार हो गया हूँ और सोच रहा था पटाया देखने का कैसा है, लेकिन यार अमेजिंग है, मतलब क्या लोकेशन है जिसॉन, ग्रेट यार, क्या लोकेशन आपने मुझे प्रोवाइड किया है। ज़रा देखो इस तरफ, और बगल में बीच है तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। ओके 6th फ्लोर वी हैव, और यहाँ लिफ्ट इतनी तेज़ी से ऊपर आ जाती है कि मुझे तो ग्राउंड फ्लोर, 2nd फ्लोर, ओके चलती भी काफ़ी तेज़ी से। देखो 2 आ भी गया, 6 से 2 कितना जल्दी हो गया। दिस इज़ फ्लोर नंबर 2nd। वाह, और यहाँ अपना एक स्विमिंग पूल भी है, चलो वहाँ चलते हैं पहले, क्योंकि इनका प्राइवेट पूल है यहाँ पर, मैं उनसे ही पूछता हूँ। स्विमिंग पूल वे, स्विमिंग पूल दिस साइड, ओ अच्छा स्ट्रेट, ओके थैंक यू। वाह या पूल जो है वो स्ट्रेट है, अंदर में मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे स्ट्रीमर्स आपको उस आइलैंड तक भी लेकर जाते हैं। तो ये जो आप स्ट्रीमर्स देख रहे हैं ये जाते हैं वहाँ तक लेकर, और अगर आपके पास दिन भर का समय है तो आप पटाया आकर दिन भर वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और 2-3 आइलैंड और हैं यहाँ पर पास में, तो वहाँ पर जाकर जहाँ पर पानी और भी ज़्यादा दिखेगा, लोग और भी ज़्यादा दिखेंगे। कुछ उस तरफ भी हैं, तो यह है जोमटियन बीच। देखिए लोग कैसे आकर पड़े हुए हैं, एक हाथ में बियर का बॉटल है, और पूरा दिन यहाँ पर आकर ये लोग एंजॉय करते रहते हैं। मेरे पीछे जितने भी लोग हैं सब, कुछ इंडियन भी हैं, कुछ फॉरनर्स हैं, ज़्यादातर बाहर के ही हैं सब। तो ये है थाईलैंड, लेकिन बीच सही बताऊँ तो बड़ा अच्छा है। चलते चलते मैं करीब 400-500 मीटर आगे आ गया हूँ, अभी मैं कुछ इस लोकेशन पे हूँ। मतलब अगर ग्रुप में आ रहे हैं ना यहाँ पर तो नहाने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बीच उस तरीके का है, काफ़ी बढ़िया बीच है। और थोड़ा थोड़ा मैं थक गया हूँ, मन कर रहा है कि रूम पे जाके पहले तो 2-3 घंटे सो लूँ, और उसके बाद कुछ घूमने निकलूँ। और बालू में चलने से और भी ज़्यादा थकान हो रही है, तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। अब वापस मुड़ के वापस चलता हूँ, कुछ खाने का भी मन हो रहा है, क्योंकि ना कल रात में खाया था अच्छे से, उसके बाद अभी तक ठीक से खाया नहीं, फ्रूट्स खाया। और कुछ टिप्स मुझे मिले हैं वेजिटेरियन खाना कैसे लेना है, वो मैं होटल में चल के आपको बताऊंगा, और 1-2 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का भी पता चला है। तो मेरा होटल है उस तरफ, मतलब मेरा जो रूम है वो उस तरफ है, और ये बीच का एरिया है, और ये है ऑब्वियसली जोमटियन पटाया बीच। और मैं इस रोड पर जा रहा हूँ सीधा, करीब 1 किलोमीटर आगे मुझे पता चला कि एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका दाम भी रिजनेबल है। अब ये डाउट है कि अभी ओपन है या नहीं, क्योंकि मैं गूगल मैप पे चेक कर रहा हूँ तो बता रहा है कि शाम को 5 बजे खुलेगा, इट इज़ क्लोज नाउ। बट किसी और सोर्स से मुझे पता चला था कि ये 4 बजे तक खुला रहता है, तो अब तो ये जाकर ही कंफर्म होगा कि कब तक खुला रहेगा। बट दिस इज़ द रोड, पूरा बीच के अलॉन्ग ही है सब कुछ। गूगल मैप को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत काम आसान हो जाता है गूगल मैप से, और बहुत ही एक्यूरेट और करेक्ट लोकेशन पता चल जाता है इससे। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब भी बाहर निकलता हूँ, ख़ास तौर पे इंडिया के बाहर तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ख़ास तौर पे वहाँ जब आपको लैंग्वेज का उतना ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब इंग्लिश समझते हैं हल्का फुल्का, टूटी फूटी जैसे तैसे मतलब काम निकलता है, मतलब कहीं कहीं पर दिक्कत भी हो जाती है। रंगसेट पे जैसे कि बस स्टैंड में पूछ रहा था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था मैं पूछ क्या रहा हूँ, बस स्टॉप बोला, बस स्टैंड बोला, पटाया को पटिया बोलते हैं, तो मतलब ऐसे लोकल टोन में यहाँ पर पटाया भी बोलने पे कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, क्या पूछ रहा हूँ मैं। गाइज सही में बंद था। गूगल जो कह रहा था सही कह रहा था, गूगल देव की जय हो। उसके बदले मैंने लिया है आम और कम प्लंग इसको बोलते हैं, जो कि सिर्फ थाईलैंड में शायद मिलता है। मैंने कल कर्ण के घर पे खाया था, बड़ा टेस्टी लगा था मुझे। तो ये 50 भाट का हाफ किलो मुझे पड़ा और आम यहाँ पर मिला मुझे 40-50 भाट का 1 kg। तो मैंने दोनों चीज़ ले लिया और एक ब्रेड लूँगा अभी कहीं से, ताकि मेरा काम अभी का तो निकल जाएगा, फिर रात में देखूँगा। और जाकर अभी तो 1-2 घंटे मैं सोऊंगा पहले, क्योंकि पैर में थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया चलते चलते।